काट झील, ये आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, ये चार देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, नाइजर, चाड, कैमरून और यहाँ पे नाइजीरिया। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर इसके ऊपर आता है सहारा प्रदेश, यहाँ पे सहारा प्रदेश आता है, जिसकी वजह से और ये झील हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एक नासा के, यहाँ पे नासा का एक रिसर्च है, वहां से ये लिया गया है। अगर इसकी बात करें 1973 पे, 1973 में इसका जो चार्ट झील का जो बेसिन एरिया था लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर था, 26,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2017 से 2017 तक आते आते, या अगर हम बात करें वर्तमान परिपेक्ष में, लगभग लगभग ये 1500 वर्ग किलोमीटर तक ये आ चुकी है, 1500 वर्ग किलोमीटर तक आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। तो ये नासा के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसके जो बेसिन एरिया पे आपको यहाँ पे रामसर स्थल देखने को मिलेगा, रामसर स्थल, और ये आपको यहाँ पे मिलेगा बायोस्फेयर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे विश्व विरासत स्थल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट झील हमारे एग्जाम के लिए बन जाती है। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार झील है, ये जो है मीठे पानी के झील है, झील है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इसका विस्तार मैंने बता ही दिया कि चार देशों में है, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया, ये मैंने बताया। फिर इसके बाद जो इसके जो ये जो बेसिन एरिया, इसका कम होने का क्या रीजन हो सकता है? जैसे जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, फिर आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, जिसे आर्थिक संकट कैसे, जैसे यहाँ पे मछली उत्पादन वगैरह होता रहता है, और यहाँ पे एक मैंने पहले बताया इसके ऊपर जो है नॉर्थ साइड में सहारा प्रदेश है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी का एक स्रोत बन जाती है। फिर इसके साथ साथ जो बढ़ती आबादी, जो नाइजीरिया है पूरे अफ्रीका का 15% आबादी यहीं रहती है, जिसकी वजह से जो आबादी है यहाँ पे, जो आबादी बढ़ रही है, इसकी वजह से भी इस झील पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके चलते ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। न्यूज हमारी 14 बिलियन की, जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से कैसे हमारे सुटेबल हो सकते हैं, ये वीडियो हमने पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।